के कांग्रेस कहती है कि संविधान बचाओ, जबकि संविधान का सबसे बड़ा नुकसान और संविधान का सबसे बड़ा अपमान अगर किया है तो इस कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस बात को लेकर के किसान उद्वेलित है, किसानों के अंदर भारी रोष है। देखिए, हमारी संविधान के गरिमामयी पद को, संवैधानिक पद को इन विपक्षी पार्टियों ने, तृणमूल कांग्रेस ने और कांग्रेस पार्टी ने आज तार तार किया है। ये संवैधानिक पद पे रहते हुए एक किसान परिवार के एक व्यक्ति को, और उन्होंने इस तरह से मिमिक्री तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद के द्वारा मिमिक्री किए जाने को भारतीय जनता पार्टी एवं किसान मोर्चा उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता है। और इस तरह के देश के अंदर संविधान को साथ में खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी कतई पसंद नहीं करेगी। और तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने जिस प्रकार से हमारे उपराष्ट्रपति महोदय आदरणीय जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री उतार करके और देश के संविधान को एक ठेस पहुँचाई है, उसकी कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। और हमारे जो एक नेहरू परिवार के शहजादे हैं, उन्होंने तो हद ही पार कर दी, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से उनको मिमिक्री करते हुए उन्होंने वीडियो बनाई और उस वीडियो बना करके सबको उनको एक हंसी का मजाक का एक रूप दिया, जबकि एक बड़े दल के नाते उनका कर्तव्य ये बनता था कि उनके जो भी साथी विपक्षी साथी हैं उनको इस तरह के जो दुर्व्यवहार है, इस तरह का जो व्यवहार है उसको नहीं करने की हिदायत देनी चाहिए थी, बल्कि उनको उत्साहित किया वीडियो बनाकर। हम उनकी भी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि कांग्रेस कहती है कि संविधान बचाओ, जबकि संविधान का सबसे बड़ा नुकसान और संविधान का सबसे बड़ा अपमान अगर किया है तो इस कांग्रेस पार्टी ने किया है, कांग्रेस पार्टी के एक सांसद ने किया है। और हम इस जो विपक्ष की जो इस तरह की हरकत है इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक किसान पुत्र के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर के किसान उद्वेलित है, किसानों के अंदर भारी रोष है, और इस बात का प्रकट करने के लिए, इसका विरोध करने के लिए आज हम सब यहाँ भी इकट्ठा हुए हैं। किसान मोर्चा उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे दोनों जो सांसद हैं राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी, जो ममता जो तृणमूल कांग्रेस की जो अध्यक्ष है ममता बनर्जी, उनका सांसद कल्याण बनर्जी ने जिस प्रकार से व्यवहार किया है उसके खिलाफ आज हम यहाँ सड़क पर उतरे हैं। आज तो हमने उनका पुतला दहन किया है, और यदि वो भरी संसद के अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम पूरा इस देश भर के अंदर इस तरह का किसान उग्र प्रदर्शन करेगा।